नमस्कार। नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा लगातार प्रसारित की जा रही श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला है हमारी नेटवर्क डाउन हो गया। आज के सवाल। तो एक बड़ा ज्वलंत सवाल है हमारे देश में आज, जो घटना हुई एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब किया जाना। ये बात गौण नहीं है कि किसी आदमी ने किया, किस राजनीतिक आदमी ने किया, या आम जनता ने किया, किस धर्म ने किया। बात यह है कि एक आदमी ने एक आदमी के चेहरे पर पेशाब किया। ये बहुत मानवीय मूल्यों के तगाजे पर प्रश्न चिन्ह लगा। साथ में आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इसी प्रश्न को लेकर, वह हैं डॉक्टर रमेश चंद जी मीणा। आप हिंडोली और बूंदी महाविद्यालयों में आप प्रोफेसर हैं, लेकिन इसके अलावा विशेष बात ये है कि मात्र ये शिक्षा विधि नहीं है, लोगों को सोचने समझने का इतना मादा रखते हैं कि लगभग लगभग मेरे ख्याल से 10-15 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और विशेष रुझान आपका रहा है दलित साहित्य पर, मतलब दलित जनजीवन को समझना और उनको सबके सामने प्रकट करना एक जीवट काम है जो इन्होंने अपने अब तक के जीवन काल में विशेष रूप से किया है। इसके अलावा जनसत्ता में आप लिखते रहे हैं, कई कॉलम हैं। अभी आपकी पुस्तक आई कोरे कागज, पुस्तक मेरे पास है किस्मत से, इसमें आपके संस्मरण भी हैं, और उन संस्मरणों में भी बहुत कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमारी चेतना को और चैतन्य करने में सार्थक सिद्ध होता है। तो भाई रमेश जी हमारे साथ हैं, और प्रबुद्ध श्रोताओं से मेरा आग्रह है कि वो हमारे आज के इस सवाल सुनेंगे भी। भाई रमेश जी अपना वक्तव्य देंगे इस सवाल पर। भाई रमेश जी मीणा। सत्यनाथ साहब नमस्कार। नमस्कार। और आपके इस जन सरोकार मंच पर लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सही मायने में जी। सही मायने में आज जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है उसमें सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, और पूर्वी राजस्थान के बतौर आपने सोशल मीडिया की एक पहचान बनाई है। लगातार आप अलग अलग मुद्दों पर बात करते रहे, साहित्य और सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा भी। तो हाल ही में जैसा कि आपने बताया जी, मध्य प्रदेश में हाल ही में घटी घटना जी, जो अमानवीय कृत्य कहेंगे, कम से कम सुसभ्य समाज में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस मंच से इसको कंडेम करते हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसी हरकतें कम से कम लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में एक तरह से जो नाटक चलता है वो नाटक भी हमने तुरंत देखा, और शायद इसीलिए देख सके कि सोशल मीडिया तक ये बात पहुंच गई, वरना हम दूसरे प्रदेश में नहीं बल्कि दूसरे मोहल्ले वालों को तक को भी पता नहीं चल पाता कि वहां क्या घटा। सच कह रहे हैं। मैं याद दिला दूं, क्योंकि वैसे सोशल मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए 10 रोपा इससे जुड़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार सुनेंगे कि एक आदिवासी युवक जहां बैठा हुआ था, प्रवेश शुक्ला नाम बताया जाता है जो विधायक का प्रतिनिधि कहलाता है, यानी कह सकते हैं कि विधायक का दाया हाथ जिससे ज्यादा उम्मीद की जाती है। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा क्यों कर किया, चाहे कुछ भी क्यों न हुआ हो, और जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, जिस तरह से वो युवक बैठा हुआ था, जैसा दिखाई दे रहा है हम वीडियो में देखते हैं, वो चुपचाप बैठा हुआ है, जिसे पशुओं में सबसे सज्जन पशु कहते हैं वो गाय कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति गाय जैसा होता है तो इसे गाय से ही उपमित किया जाता है, उस तरह से वो युवा बैठा हुआ था जिसमें पेशाब किया जाता है। इसके तत्काल बाद राजनीतिक हलकों में, शायद ये मीडिया, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इसका दूसरा एपिसोड हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा एपिसोड जो हुआ, हम उसको कहें कि कानून अपना काम करेगा और कानून को अपना काम करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि बात का विषय हमारे बीच में यही होने वाला है कि निचला तबका, निम्न तबका, दलित, आदिवासी, जो ज्यादातर निरक्षर भी है, आर्थिक रूप से बदहाल भी है, मुख्य धारा से दूर रहते हैं, ज्यादा समझ भी नहीं है, मीडिया या अखबार से जुड़े हुए भी नहीं है, ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की भी ज्यादा उनको जानकारी नहीं है। आप ये देख करके हैरान होंगे कि वर्षों बाद कई पत्रकार आदिवासी क्षेत्रों में गए और उन्होंने यकायक एक सवाल उनसे पूछ लिया कि भाई इस वक्त देश की प्रधानमंत्री कौन है, तो उनको नहीं पता। जब ये पूछा गया, थोड़ा पीछे जाते हैं, जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, जबकि इंदिरा गांधी बहुत पॉपुलर रही, पर उनका नाम भी उनको पता नहीं था। कईयों से पूछा गया, देश आजाद हो गया तो वो भी इनको पता नहीं था। तो इन हालातों में आजादी के कई दशकों बाद तक, और अभी भी ऐसे हल्के हैं, तो ऐसे में तत्काल एक्शन लेते हुए जो किया वो एक राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं कि उस युवक को बुलाया गया और बाकायदा उसे बिठाया गया, जैसा कि अक्सर अब तक हिंदू समाज में ब्राह्मणों को बिठा करके पैर धोए जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, ये तो हम जानते हैं, चूंकि चंद महीनों बाद चुनाव है इसलिए ये सब इस तरह से दिखाया गया कि आप हमारे क्या हो, तो ये दिखाया गया मीडिया में ला करके। तो इस तरह से इसको भी हम समझते हैं, बुद्धिजीवी पत्रकार लोग समझ सकते हैं कि इसका एक मीनिंग था या उनका एक उद्देश्य था, तो इसके तहत वो इस चीज को ढांपने का, ढकने का प्रयास किया गया। वह एपिसोड जो हाल ही में गर्मा गर्म है देश में, अब हम ये कह सकते हैं कि आखिर आदिवासी जिनके साथ ऐसा होता रहा है, लोकतंत्र में होना ये उचित नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि आदिवासी को भी आज के दौर में तीन श्रेणियों में बांट करके देख सकते हैं। एक वो जो मुख्य धारा के करीब करीब पहुंच रहे हैं या उनके आसपास है, यूं कह सकते हैं कि जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आ गए या आर्थिक रूप से थोड़ी अच्छी स्थिति में है। दूसरे वो जो बीच का तबका है, जो कुछ हद तक जमीन है उनके पास, या निम्न श्रेणी में जो आते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं आज भी, खास करके अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, उस टापू पर रह रहे हैं, सेंटिनल और ग्रेट अंडमान निकोबारी कुछ प्रजाति वहां, जिनको सुरक्षित संरक्षित किया गया है, वो उसी टापू पर रहते हैं,
उसी आदिम अवस्था में रह रहे हैं, वो है एक जो अक्सर हम पर्यटक के रूप में जाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। इस पर भी हाल ही में कुछ वर्षों पहले हरिराम मीणा जी देश प्रदेश में घूमते रहते हैं, वो हैदराबाद पहुंचे तो वो हैदराबाद से सीधे अंडमान निकोबार पहुंचते हैं। वो संस्मरण मेरे हाथ लगता है, उसका नाम था, उन्होंने रखा साइबर सिटी हैदराबाद से नंगे आदिवासियों तक। साइबर सिटी उस वक्त कह रहे थे, अब तो साइबर सिटियां पुणे नागपुर दिल्ली ये सब होते जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त हैदराबाद था। तो हैदराबाद से वो सीधे उनके बीच पहुंचे और उन्होंने एक संस्मरण इस पर लेकर के वो आए। तो वो है वो स्टेज, जिस स्टेज में उनको अभी पता नहीं है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कपड़ा पहनने की भी जरूरत नहीं है और प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा, बल्कि पर्यटक उनके बीच में जाते हैं, जैसा कि राम जी ने अपने संस्मरण में लिखा। और आप भी सुने होंगे कि जब भी उधर कोई पर्यटक जाता है और लेखक अगर जा रहा है तो लेखक जरूर कुछ न कुछ लिखेगा, वो जो लिखेगा वो हमारे तक आता है। मैं अभी अंडमान निकोबार नहीं जा सका, हालांकि मेरा सपना बस इतना है कि मैं एक बार उनके बीच में अंडमान निकोबार सप्ताह भर रहूं और बगल से गुजर करके उनको जरूर देखूं। ये मेरा एक सपना है जिसको मैं बहुत जल्दी या पूरा करना चाहूंगा जीते जी। ये सपना नहीं है कि तीर्थ यात्रा करूं, बद्रीनाथ केदारनाथ, वो नहीं, अंडमान निकोबार। इन तृतीय श्रेणी में जो रह रहे हैं, हमारे आदिम अवस्था में रह रहे हैं आदिवासी, कि आखिर वो किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से, किस भाषा में बात करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप किस तरह से करते हैं, या शादी विवाह जिसे हम यहाँ शब्द कह रहे हैं, वो शब्द भी शायद वहां नहीं होगा, पति पत्नी का शब्द भी वहां चलता है नहीं चलता है, ये मेरी एक तरह की वो जिज्ञासा इस सपने में। आप ताजुब करोगे, कविता भी मैंने इस तरह की लिख दी थी जब राम जी का वो संस्मरण में पढ़ा, यात्रा वृतांत कम संस्मरण। और इसके बाद रात को मुझे सपना भी आ गया, एक दो बार सपने आए, तो ताजुब करोगे कि फिर मैंने ये कहानी आदिवासियत, जो उसी नाम से कहानियों का संग्रह है, उसमें वो कहानी शामिल है, तो उसी पर मैंने ये कहानी बनाई। उसमें आपको ये लगेगा कि मैं उनके बीच में हूं, जबकि मैं अब गया नहीं हूं, पहले स्वीकार कर ले रहा हूं कि मैं जाऊंगा, लेकिन कहानीकार किस तरह से सोच सकता है वो मैंने उसमें लेने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासी जो एक वो है जो अंडमान निकोबार या बस्तर में या डूंगरपुर बांसवाड़ा के उन हाशिए पर जी रहे लोग हैं जिनको मुख्य धारा में आने में वक्त लगने वाला है। मुख्य धारा में वो आ गए जो आरक्षित संरक्षित होकर के पढ़ लिख करके नौकरी में आए। तो ये घटना उनके साथ नहीं हो सकती, अगर होगी तो वह मुकाबला किया जा सकता है। ये लोकतांत्रिक तकाजा भी है, लोकतंत्र इसे ही कहते हैं। और अगर वो मुकाबला नहीं कर पा रहे, रिएक्शन नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी चीजें लोकतंत्र की उन तक नहीं पहुंची, एजुकेशन नहीं पहुंची, एजुकेशन के तहत वो समझदारी चाहिए, वो नहीं पहुंची, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा, वरना उसको रिएक्शन करना था। यानी वो भी लगभग मध्यम तृतीय श्रेणी के बीच का आदिवासी युवा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में भी ऐसे बहुत सारे वर्ग जातियां है जो लोकतांत्रिक हक उनको मिलना बाकी है। इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि ये घटनाक्रम न जाने कितने होते होंगे, खास करके ये कह सकते हैं हम जिसे अक्सर पत्रकार जोशीले पत्रकार गोदी मीडिया कहते हैं, तो उसके तहत ही ये आवाज नहीं आ रही मणिपुर में भी, क्योंकि और मैथी लोग वहां रहते हैं, तो दोनों में द्वंद्व चल रहा है, लेकिन मीडिया में नहीं आ रहा, सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के तहत आ रहा है या फेसबुक के तहत प्रसारित प्रचारित हो रहा है, ये खबर पहुंच चुकी है कि एक तरह से मणिपुर को जैसे नजरअंदाज किया जा रहा है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का महत्व है, खास करके पर्यावरण की दृष्टि से। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं और पर्यावरण हम सबके लिए संकट, आसन्न संकट है कि अगर हमने पर्यावरण नहीं बचाया तो हम भी नहीं बचेंगे, और खास करके ये तबका, ये वर्ग से हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये उसी जंगल में रहते हैं और सदियों से जंगल में रहते आए और जंगल सुरक्षित रहा, लेकिन ताज्जुब करोगे कि अक्सर सरकारी महकमे, जंगल विभाग की निगाह इन पर रहती है और जंगल काटने का जुर्म इन पर लगता है, पकड़ करके ये अंदर कर दिए जाते हैं। खास करके जब महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू हैं, उनके होते हुए भी वही चीज अगर दोहराई जा रही है, खास करके ये मुद्दा जो युवा पर पेशा किया गया, ये कितना शर्मनाक हो सकता है कि उस प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के प्रतिनिधि को इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो क्या हरकत करने वाला है, क्या कर चुका है। तो ऐसे अगर हमारे बीच में नेता है जिसे हम उम्मीद कर सकते हैं, उनसे उम्मीद करना भी नामुमकिन हो रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में एक सभा में, जहां शायद न्यायाधीश वगैरह भी बैठे हुए थे, उन्होंने सवाल उठा दिया था। उनके सवाल उठाने के बाद आला हम इधर पढ़ते रहे, हमें भी पता है, साहित्य भी बता रहता है कि किस तरह से जिन पर किसी तरह का जुर्म नहीं है, साबित नहीं हुआ है, वो भी जेलों में पड़े हैं। ना उनकी तरफ वकील किया जा रहा है, ना उनकी आवाज उठाई जा रही है, इसके बावजूद वो जेल पड़े हैं। और इस तरह की आंकड़े आए हैं कि आदिवासी जेलों में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आदिवासी अंदर पाए जाते हैं जिन पर जुर्म साबित नहीं हुआ। राष्ट्रपति महामहिम ने कहा था कि ऐसी कुछ मशीनरी पैदा की जाए, ऐसा कुछ किया जाए। खास कर उनके कहने का मकसद ये रहा होगा कि वो राज्यपाल रही कोई बात नहीं, लेकिन महामहिम वक्त उनकी आवाज को ये महसूस करेंगे, ऐसा कुछ करें, क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रपति बना दिया गया इस बार, अगली बार पता नहीं कब बनेंगे, ये राजनीतिक कारण हो सकता है। तो इनके होने का असर उन आदिवासी तक किस तरह पहुंच सकता है कि कम से कम जो जिन किसी तरह का जुर्म नहीं होता वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कुछ किया जाना चाहिए। ये महामहिम राष्ट्रपति बन रही थी। हाँ जी, यहाँ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सक्सेना साहब, छोटा सा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र जहां सबको पहली बात सिखाता है कि आदमी को आदमी मानो, सबको समान है, व्यवस्थाएं भी, तो हम लोकतंत्र की स्थापना के बाद से लेकर अब तक क्यों नहीं इस समाज तक, जिसे हम जिस नाम से पुकारते हैं, उसके भाव, उसके बारे में सोचने से पहले एक ब्रैकेट आ जाता है हमारे दिमाग में कि ये आदिवासी, हम पहले ये क्यों सोचते हैं ये भी एक आदमी है, हम में से एक, ये प्रवृत्ति डेवलप करने के लिए भी सोचा जाना चाहिए ना। ये जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ वो भी हमें संदेश दे रहा है कि हम 7 दशक होने जा रहे हैं अपन को आजाद हुए भी, हालांकि वहां चीजें पहुंच रही है लेकिन ठीक से नहीं पहुंच रही है, या समाज के लोगों की मानसिकता बदलना बड़ा मुश्किल है जी। अब ये मसला दूसरा हो जाता है कि जाति, जिसे कहते हैं कि जाति है कि जाति ही नहीं, और न जाने के पीछे के कारण ये रहा कि अब जब चुनाव आते हैं तो नेता जाति देख करके टिकट दिया जाता है, जाति देख करके वोट दिया जाता है, तो ऐसे में शायद सारे सारे तबके वोट बैंक की नजर से देखे जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो 1-2 महीने के लिए थोड़ा तवज्जो दी जाती है उनके लिए, और जीतने के बाद हर पार्टी सत्ता में होती है
तो अपना कार्य ठीक वैसे ही करेगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो। एक उनका सर्वे बता मकसद रहा है मेरे, एक सर्वे बता रहा है कि देश में लगभग 13 करोड़ आदिवासी हैं, जी 13 करोड़ जी कम तो नहीं है ये। ना बिल्कुल। तो इस नजरिए से बकायदा वोट बैंक की तरह से देख करके कार्यक्रम होते हैं, तो प्रश्न लेकिन में वो ये उसी होता है, दौरान प्रश्न होता है कि वोट बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी में वैसे किसी हालत में कम नहीं है, और राजनीतिक तुष्टिकरण भी होता है जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान इनकी थोड़ी बातचीत की जाती है, लेकिन वो चेतना कैसे ना जगाई जाए बेशक जब बात चेतना के लिए, ये जो आपका मंच है मीडिया है, एजुकेशन खास करके, अगर वो एजुकेट होता है। अब एजुकेशन के तरीके भी बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे कि कई तरह के संकट है कि वो उस तबके के पास इस तरह के मोबाइल होना अभी भी नामुमकिन है। एजुकेशन अब इस मोड में आ गई है कि अभी जैसे कोरोना के दौरान 2-3 साल तक एजुकेशन इसी मोड से दी गई थी, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, और तभी से ये सिलसिला चला है। और ये मुझे लगता है कि जागरूक करने का या एजुकेशन देने का भी एक माध्यम बनने वाला है। तो ये वहां तक पहुंच कायम करेगा, अभी वक्त लगने वाला है इस तक पहुंच कायम हो, क्योंकि नेटवर्क वहां तक पहुंच ही जाएगा, ये उम्मीद तो अभी नहीं कर सकते हम। तो ये कह सकते हैं कि ये भेदभाव जो एजुकेशन का है कि अब हायर एजुकेशन या इस तरह की तकनीकी वाली एजुकेशन उन तक पहुंच जाएगी, उसमें वक्त लगने वाला है। तो जितने जो तबका जो बाहर आ रहा है ऊपर उठ करके मध्यम श्रेणी में आ चुका है, उनका फर्ज बनता है ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम सरकार से यार बात की उम्मीद नहीं कर सकते। उनसे उनके बीच से जो तबका आता है उसका भी हो जाता है, अगर वो बने लगे तो हो सकता है इस तरह से हम तेजी से काम कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नाम याद आता है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, जो झारखंड से थे और राज्यसभा के सदस्य रहे, और सदस्य रहते हुए असामयिक मृत्यु हो गई, वो हमारे बुलावे पे बूंदी भी आए थे। एनसीईआरटी में एक सेमिनार में मैं था, उनको सुन रहा था, तो उन्होंने एक सवाल उठाया था मुख्यधारा। तो देखिए मुख्यधारा का सवाल जब भी आता है तो पता चलता है कि मुख्यधारा का मतलब होता है कि जो खाते पीते शहर में रहते लोग या उच्च जाति के लोग, वो मुख्यधारा है, वो बनाते हैं, और बाकी के लोग बाकी के तबके उनकी नकल करें। तो मुंडा साहब चूंकि न्यूयॉर्क में 18 साल पढ़ा के आए थे, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर उनको बनाया गया, तो जो भी बात वो कहते थे, और इसी के कारण उनको राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया था। तो वो कहते हैं कि मुख्य धारा आदिवासी के लिए, आदिवासी को कहीं किसी भी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मान्यताएं, सामाजिक रीति रिवाज, या यहां तक भी कहें कि फिलोसॉफी जो आदिवासियों में पाई जाती है, वो जिसे कथित मुख्यधारा कहते हैं, उनको भी अनुकरण करना पड़ेगा, जिस तरह से वो संयम संतोष से रह लेते हैं, प्रकृति के साथ तदाकार होकर के रह लेते हैं, या यूं कहें कि पर्यावरण का कम से कम नुकसान करते हुए जीते हैं। ये कुछ चीजें जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, जबकि उच्च तबका पर्यावरण को नष्ट करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, बनाने में नहीं बिगाड़ने में। या यूं भी कह सकते हैं कि सरकार की पॉलिसी जो है वो भी विकासवादी है, लेकिन विकास आज साबित हुआ है खास करके आदिवासी अध्ययन करने वाले लेखक रचनाकार अक्सर ये सवाल शिद्दत से उठाते हैं कि आपका जो विकास है विनाश की ओर ले जा रहा है, और ये सवाल उठने लग गए। अब देर से भर AI आने वाली है, लेकिन अभी से सवाल उठ रहे हैं कि AI से खतरे ज्यादा है।
तो आप जो भी टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं उनके जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान है, खास करके पर्यावरण को। और पर्यावरण जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी किस तरह से जीवित रहेगी, किस तरह से सांस लेगी, या उसको सांस लेने के लिए भी हम हवा पानी पीने का छोड़ करके भी जाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से हमें विकास, जब भी हम विकास करते हैं तो हमें इन मुद्दों पर परिचर्चा सोच करके देखना चाहिए कि हम पर्यावरण को पहले स्थान पर रखें। और जब पर्यावरण की बात आएगी तो आदिवासी का नाम अपने आप आएगा, क्योंकि तो आदिवासी अभी भी प्रकृति के साथ है, जंगल के साथ है। जी, फिर बहुत बहुत वार्ता धन्यवाद, आगे। नमस्कार। नमस्कार।